हम सभी बचपन से ही रामायण और महाभारत के बारे में सुनते, पढ़ते और देखते आए हैं, और हम सबको बहुत अच्छे से पता है राम और सीता के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम है कृष्णा और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लड्डू। महाभारत को फिल्मों में दर्शाने को बहुत से बातें हम रोज सुनते रहते हैं, मगर आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो महाभारत नहीं, रामायण है, जिसके बनने की तैयारी शुरू हो चुकी है और जिस पे खर्च होने हैं पूरे 600 करोड़ रुपए। आपने दंगल फिल्म तो देखी ही होगी, अगर नहीं देखी है तो एक बार जरूर देखिए क्योंकि बहुत अच्छी फिल्म है। तो दंगल फिल्म से अपने बतौर निर्देशन का लोहा मनवाने वाले नीतीश तिवारी ने रामायण बनाने की पुष्टि कर दी। मगर इस फिल्म में सिर्फ नीतीश तिवारी ही नहीं होंगे जो डायरेक्टर का काम करेंगे, उनका साथ मॉम फिल्म के डायरेक्टर रवि उद्यावर भी देंगे। और अभी तक जो बातें चल रही हैं उनसे ये साफ लग रहा है कि ऋतिक रोशन राम के किरदार में है और वहीं दीपिका पादुकोण सीता के किरदार में नजर आएंगे। तो वहीं बाहुबली प्रभास भी रावण के किरदार में नजर आ सकते हैं। वहीं इस फिल्म के स्क्रीन प्ले राइटर हैं श्रीधर राघवन जी, प्रोड्यूसर हैं मधु मैंटीना, अलू अरविंद, नमित मल्होत्रा, और इस फिल्म को 3 भाषाओं में रिलीज की जाएगी, जिसमें है हिंदी, तमिल और तेलुगु। मगर रिलीज को लेकर के एक खास बात और भी है जिसका जिक्र नीतीश तिवारी ने किया, वो ये कि तीनों भागों को सही समय पर रिलीज करना ताकि लोगों का एक्साइटमेंट बनी रहे। नीतीश तिवारी की बातों से एक चीज तो और भी स्पष्ट है कि रामायण महाकाव्य के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। उन्होंने पहले ही इस बात को कहा है कि इसके साथ कोई छेड़छाड़ करना एक मूर्खता होगी। जिस समय में हम जी रहे हैं, यह देखते हुए कि यह एक ऐसा धर्म ग्रंथ है जो कि हर हिंदू परिवार का एक अभिन्न अंग है, उसमें किसी तरह का बदलाव करना मूर्खता होगी। और अगर मैं ये बदलाव करता हूँ या कोई छेड़छाड़ करता हूँ तो मैं भी मूर्ख हूँ। रामायण हमने जिस तरह से देखी है यह रामायण बिल्कुल वैसी ही होगी। ये मैं नहीं कह रहा, ये नीतीश तिवारी कह रहे हैं। 2 साल लगेंगे रामायण को बनने में और उम्मीद ये जताई जा रही है कि 2021 तक इसका पहला हिस्सा रिलीज हो। आगे देखते हैं कब तक रिलीज हो। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं और आप हमें कमेंट करें अपना राय, और अगर कुछ आप अन्य विषय पर जानना चाहते हैं वो भी आप हमें कमेंट करें, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको उस विषय की जानकारी दे सकें। अगर आपने द लड्डू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हम फिर कह रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम पहुंच सके आप तक सबसे पहले।